22 तारीख की सुबह 8:30 हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट करके सभी निकल रहे हैं अभी आरू वैली के लिए और वहां जाकर पेंटिंग करेंगे। अभी हम आरू वैली की तरफ जाते हुए रास्ते में गांव में रुके हैं। इसको रिकॉर्ड करो थोड़ा, ये देखो। अभी मधुसर का ऑफिशियल डेमो है यहाँ पर, तो सभी पार्टिसिपेंट पहले ये डेमो देखेंगे, उसके बाद फिर सेकंड हाफ में अपना पेंटिंग करेंगे। तो मधु सर यहाँ पर अपना सेटअप लगा रहे हैं ऑलरेडी। और ये गांव देखिए कितना खूबसूरत है। जी सर ऑलरेडी बैठ चुके हैं यहाँ पर और एक स्केच कर भी दिया है सर ने। सिकंदर सर इधर है, स्पॉट देख रहे हैं। अरे वाह क्या ब्यूटी है। सिकंदर सर इधर कर रहे हैं आप? यस। हेलो, छुट्टी भी होगी इतनी जल्दी? क्या अभी जा रहे हो अभी स्कूल? क्या छुट्टी होगी? क्या नहीं स्कूल से आ गए? नहीं। जा रहे हो? हाँ। अभी जा रहे हो स्कूल? हाँ। ओके, एग्जाम है क्या आज? नहीं। ओके, एक बार बोल देना कि जिन्होंने एक्रेलिक की डेमो देखनी है ना, सर मुझे बोला था मैं एक्रेलिक करने लगा। ओके, तो हम यहाँ पर बाहर पेंटिंग कर रहे थे लेकिन ये भाई ने हमें अंदर बुलाया, कह रहा आप अंदर आकर भी पेंटिंग कर सकते हो, तो अभी सर को छांव भी मिल गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये मज़ा है यहाँ पर कश्मीर में। सेटअप लगा लिए यहाँ पर, उधर बिलास सर हैं, राहुल है और सिकंदर सर और एमजे भाई इधर है। गाना सर ओ माय गॉड बहुत अमेजिंग है। मुझे सर थोड़ा देखता हूं अभी पहले यहां पे। वाओ सो अमेजिंग सर। थैंक यू जी, थैंक यू। यहाँ पर डेमो चल रहा है मधुसर का ऑफिशियल डेमो, बहुत ही अमेजिंग सर ने डेमो। विलास कुलकर्णी सर इधर पेंटिंग कर रहे हैं बैठकर, उनकी लोकेशन दिखाता हूँ। ये उनकी लोकेशन है जिसे पेंट कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग सर ने ड्रामा क्रिएट किया लाइट एंड शेडो का, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, देखिए वाव सुपर। यहाँ पर विशाल सर और चिंते सर पेंटिंग कर रहे हैं। आप लोग ऐसे रहना, हिलना सुपर। ये अचिंत्य आजरा सर ने पेंटिंग अभी कर रहे हैं,
कंप्लीट नहीं हुई है। और ये लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत, और ये बी ए विशाल सर ने की है पेंटिंग, बहुत खूब। थैंक यू, सो अमेजिंग सर। शाउट आउट टू कलाराम, यू कूल। थैंक यू सर, यार फेनोमेनल याद की आज सोशल मीडिया हैंडल। और इधर है केविन, बोलो बोलो। हम पहुंच चुके हैं अरुवेली, तो ये कुल्स बोलने जा रहा है, बोलो बताओ ना यहाँ के बारे में। तो हम पहली बार आए हैं अरुवेली, मुझे बेताब वैली से ये वैली ज्यादा अच्छी लगी। ओके, हां ओके। तो पेंटिंग के लिए क्या जबरदस्त लोकेशन है इधर, ओ माय गॉड, रियली बहुत अमेजिंग। अभी इसके बाद शायद अभी लंच करेंगे पहले, उसके बाद पेंटिंग करने लगेंगे, तो जिसको जैसा सही लगता है वैसा करेंगे। घर पे खाते हैं। आरू वैली में पहुंचकर अभी विलास कुलकर्णी सर ऑफिशियल डेमो कर रहे हैं कलारम का। करीब 3 बज गए हैं और आरू वैली में विलास सर का डेमो हो रहा है। बहुत अमेजिंग लोकेशन है, पहले आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये लोकेशन है, मतलब अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा हम कश्मीर में है तो स्विट्जरलैंड का आपको धोखा लग सकता है, ऐसी ये लोकेशन है। और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट हैं वो जो सर डेमो दे रहे हैं वहाँ से सीख रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं इनके वो सब सर से पूछ रहे हैं। और ये देखो मैं दिखाता हूँ जो सर ने अभी तक का, ये कम्प्लीट नहीं है, जो भी अभी तक का है वो कुछ ऐसा है, सो अमेजिंग। और ये रही लोकेशन। तो कैसा चल रहा है डेमो पार्टिसिपेंट्स? बहुत अच्छा, सुपर, सही। बहुत इंतजार कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसा टाइम मिल नहीं रहा था जब सभी इकट्ठे हों, तो इसलिए आज ये डेमो रखा गया है। दिन में मधुसर का डेमो था, अभी विलास सर का जैसे ही कंप्लीट होगा आपको फिर से दिखाएंगे। पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, विलास सर का जो डेमो था यहाँ पर, और आपको भी मैं दिखाता हूँ क्या अमेजिंग आर्टवर्क सर ने यहाँ पर क्रिएट किया है। हियर इट इज, बहुत ही अमेजिंग। देखिए टेप उतारने के बाद एक कैसा लग रहा है, सुपर्ब। विलास सर की पेंटिंग के बाद मेरी पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी लोकेशन थी जो मैंने चूज़ की, और यहाँ पर मेरी पेंटिंग है, दिखाता हूँ आपको। ये आर्टवर्क मैंने यहाँ पर रेडी किया है, और यहाँ से ये लोकेशन दिख रही है। यहाँ पर दीपाली जी पेंटिंग कर रहे हैं और बाकी जो आर्टिस्ट है पेंटिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं हमारे ऑयल मास्टर्स। ये है लोकेशन, वेरी नाइस। और अभी बाकी लोग स्केचिंग कर रहे हैं। दीपाली जी ने भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है, तो देखिए ऑयल में क्या जबरदस्त उन्होंने ये लैंडस्केप निकाला है, सुपर। ये आपको लोकेशन दिखाता हूँ, सो अमेजिंग दीपाली जी, सो अमेजिंग। आज 22 तारीख को हो रहा है, पहलगाम में आखिरी दिन है, तो फाइनल एग्जीबिशन और क्लोजिंग यहीं पर हो रही है। उसके बाद कल श्रीनगर पहुंचकर
सभी अपना अपना घूमेंगे और पेंटिंग करने इसको पेंटिंग करेंगे, इसलिए जो क्लोजिंग है वो आज ही की जा रही है। तो सभी मास्टर्स के यहाँ पर वर्क लगे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। अभी उसको फिनिशिंग करी, मैं अभी उसको ना शायद ऑयल कर दूंगा। अभी आपने वो पूल वगैरह बनाया, तो पूल करो पीछे का जो क्लाउड, हां मतलब फोकल पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं, ये पूरी ग्रीन है, एक ट्री आपका पुणे में भी है। आज तो एक बढ़िया कंपटीशन आपने किया जो कि ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव कंपटीशन जो कि वहां पर लगा हुआ है। हां कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करते तो काफी डिस्टर्बेंस आती है, किसी को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो आज मैं देख पा रहा हूँ कि हर कोई पेंटिंग का भूखा है ना बाकी चीज का, तो मैं उससे भी ज्यादा खुश हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंटर्स को आते रहेंगे सर, आपको और पार्टिसिपेंट को भी एक साथ एक मुझे भी मान लो। छोड़ना नहीं, रोज एक काम करना, 15 मिनट लगेगा तो भी चल गया, लेकिन एक काम रोज करना। थैंक्स, शुक्रिया। बहुत बढ़िया इन्होंने ये प्लान किया, मैंने पहली बार देखा है ये ऐसा कलारंग का जो कुछ होता है वो बहुत अच्छी तरह से। दोस्तों कमर्शियल पार्ट ऑफ इट एंड दे आर डूइंग इट एज अ वॉलंटरी वेयर इन इंडिया नोबडी इज डूइंग इट, इवन इफ यू गो एंड अब्रॉड एंड ऑल इट्स ऑल कमर्शियल बेस्ड, बट दिस इज द ओनली ग्रुप आई हैव सीन व्हिच दे आर डूइंग इट विद वेरी गुड ऑब्जेक्टिव and they are all are volunteers, and I think this time that you are not seeing all the volunteers, so everybody is energetic and they are all doing as a volunteers. There is nothing they don't need to do it, but still they are doing it as a group and everybody is taking, and the way they are doing is like a corporate job company, they are working like this. If you go into details of everything is planned to the every minute and every thing, so they are working better than a lot of corporate industries, the way they are working. And that planning I really appreciate, because I've been in corporate industry, I know how much detail they have gone. I can understand it takes a lot of effort, lot of effort,
and only two of them cannot do it, and as a whole team, they are even today they are doing videos and sending them. Somebody is compiling it and doing it in the background. That a lot of people don't understand this. They didn't tell me, but I can feel it because they don't have time to do this. Somebody, and yesterday everybody enjoying, they are doing a video call and communicating things, what needs to do. They are doing it at 10 o'clock night with the whole group, they are doing a video conference. So there are a lot of team behind which is supporting these people. They are just... I have noted this today. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, मैं अलग बात करने आया क्योंकि तारीफ तो हमेशा होती रही कलारम की, वो तो पता ही है, पर कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि हमें जो पार्टिसिपेंट्स को और इम्प्रूव करनी है वो बताना चाहूँगा। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने, किसी ने पर्सनली मुझसे बात, सर आपकी डेमो कब है, उनकी कब है। जब से हम लोग आए डेमो चल ही रही है। आप लोगों के साथ पता क्या हो रहा है, आप कभी इधर भाग रहे हैं कभी इधर भाग रहे हैं। आपको हर रोज ये प्लान करना है कि अगर चार दिन है और चार मेंटर हैं तो हमने एक एक दिन एक मेंटर को पकड़ना ही है, चाहे वो कहाँ भी जा रहे हैं उनके पीछे भागना है। आपने, मुझे लगता है जैसे आपने कहा ना कि ये तो उनका भूख बताता है कि आप कब डेमो होगा, ये जो उत्साह है ना, ये होना जरूरी है। तो आप सब में ये बताता है कि यू आर हाउ की यू आर टू लॉन्च प्लेन, यार इतना आसान नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हो गया है, एग्जीबिशन ख़त्म हो गया है। साथ ही बताना चाहूँगा कि करीब 6 पेंटिंग हमारे आर्ट लवर हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बाय की है। तो ये अचिंत्य हाजरा सर की है। थोड़ा सा इसमें सर की तबीयत ख़राब थी तो आज सर आए भी नहीं क्लोजिंग सेरेमनी में, तो और इसको वो थोड़ा सा जो भी हल्का सा इसमें काम बचा इसको करके उनको हैंड ओवर करेंगे। ये निशी सर की गोश पेंटिंग है, और ये विलास कुलकर्णी सर की पेंटिंग जो कि सोल्ड हुई है, और सिकंदर सर के तीन वर्क सोल्ड हुए हैं, एक ये है वाटर कलर में, एक ये है, और एक ये एक्रेलिक में सोल्ड हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जो पेंटिंग बाय करने का और इसे इनक्रेजमेंट मिलती है, तो इसलिए मैं ज़रूर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा जिन्होंने ये पेंटिंग बाय की है। हालांकि उन्होंने नाम मेंशन करने से मना किया है, लेकिन मैं उनको फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा। अब मास्टर्स की जो पेंटिंग्स हैं उनकी कलेक्शन में शामिल हो चुकी है। संजीव जोशी सर का बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा स्केच वाटर कलर का, ये भी सोल्ड हुआ है। आज का दिन भी समाप्त हो गया, और पहलगाम में थी ये हमारी आखिरी रात। अभी नीचे सभी बैठे हैं, अचिंत्य सर, निशिकांत सर, मधु सर, बाकी सभी नीचे बैठे, डिस्कशन चल रही है, और कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से श्रीनगर के लिए, और इवन के दोपहर तक श्रीनगर के लिए निकलेंगे यहाँ से। कल दिन में भी यहीं पर पेंटिंग करेंगे, तो दोपहर के बाद फिर निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए, और परसों सभी की हो जाएगी वापसी। क्लोजिंग आज हो चुकी है, तो इसी के साथ कलारम के जो ये एक्टिविटी थी उसके जो ब्लॉग्स थे वो यहीं तक। अभी दोबारा से मिलेंगे फिर अगली वर्कशॉप में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।